हेलो फ्रेंड्स, मैं फिटनेस ट्रेनर कुलविंदर सिंह, अगेन विद माय वाइफ साक्षी। आज की जो वर्कआउट्स हैं वो है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग्स के ऊपर। अगर अब आप अपने लेग्स को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उनकी स्ट्रेचिंग्स क्या हैं, हिप्स के फ्लेक्सर हैं उन्हें स्ट्रेच कैसे करना है, फ्लेक्सर क्या होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं इन्हें फ्लेक्सर बोलते हैं। अब इनकी मैं एक एक करके स्ट्रेचिंग्स बताऊंगा। मैं इनके दो पार्ट में एक्सरसाइज डिवाइड करूंगा, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें हमारी 5-5 एक्सरसाइज होंगी। तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले वार्म अप करना है। जैसे मैंने आपको पहले वार्म अप की वीडियोज़ भी डाली हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज फिर उसके बाद स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। फर्स्ट आपको अपने लेग्स सुमो स्क्वाट पोजिशन में रखने हैं, ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए। हैंड्स को क्लोज कीजिए और ये कंधे नहीं उठाने, नीचे हाथ साथ लगे रहेंगे और नीचे, ये चेस्ट आउट रखनी है आपको अपनी। बॉडी जितनी नीचे जा सकती है उतनी नीचे लेकर जाइए और चेस्ट को आउट रख के, बैक में आर्क नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम टाइम होल्ड करके रखिए जितना आप होल्ड कर सकते हैं। फिर खड़े हो जाइए, अगेन इसी तरह से आपको करना है। फिर मैक्सिमम टाइम रहिए और फिर खड़े हो जाइए। इस तरह से आपको 5 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें लेग्स आपको वाइड कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपका जो एंकल है आउटवर्ड पोजीशन में नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए एकदम। नीचे बैठिए, हाफ हाफ आप बैठे और जस्ट आपको ऊपर नहीं उठना, नीचे से ही ये पैर स्ट्रेट कीजिए और अगेन चेंज साइड, चेंज, दैट्स गुड। नीचे से ही रहना, नीचे से ही नीचे जाना है और ये दैट्स गुड। इसमें आपका फ्लेक्सर प्रॉपर वर्क करते हैं, आप करेंगे तो आप खुद पता चल जाएगा। बॉडी बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से जाना है, बहुत आराम से। चेस्ट आउट कीजिए, ये दैट्स गुड, चेस्ट आउट बहुत आराम से, स्लो, दैट्स गुड। अगेन साइड चेंज, ये अगेन साइड चेंज, दैट्स गुड। ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए इसमें भी आपके फ्लेक्सर किस तरह से वर्क करते हैं। इस तरह से लेट जाना है, दोनों पैर ऊपर लाने, आपके बाहर नहीं होने चाहिए, अंदर नहीं होने चाहिए। इक्वल रखिए अपने शोल्डर के, शोल्डर थोड़ा सा बाहर और पैरों को होल्ड कीजिए और नीचे प्रेस करके रखिए। जितना देर हो सकता है आप प्रेस करके रखिए, मैक्सिमम टाइम आपको होल्ड करके रखना है। अप अगेन, डाउन, स्लो डाउन, लेग्स को नीचे प्रेस कीजिए, आपके हिप फ्लेक्सर हैं वो स्ट्रेच होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको अपने लेग्स वाइड करने हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने हाथ रखना चाहें वेस्ट पे रख सकते हैं, ऊपर रखना चाहें ऊपर रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक साइड बैठना है, ये आपकी नी आगे की साइड नहीं आनी चाहिए जब आप नीचे बैठेंगे, आपकी नी पीछे की साइड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं, नॉर्मल। अब इस तरह से ये बैठेंगे, ये आपको नीचे नहीं बैठना, थोड़ा सा बॉडी ऊपर उठा के रखनी है, ठीक है। और इस तरह से फ्लोर पे हाथ रखिए, दोनों हाथ, याद रखिएगा आपका एंकल इस तरह से होना चाहिए, पैर ऐसे ना रखें, ऐसे ना रखें, ये नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप टाइट कर लीजिए पैर को इस तरह से, फ्लैट, देन डाउन, खड़े जी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप नीचे जाएंगे आपको अपना नी इस तरह से बेंड नहीं करनी, नी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अगेन खड़े होइए, साइड चेंज कीजिए, देन चेंज,
अगेन ये साहब, ये हो गए। अब तक तो हम ऊपर थे, आपने देखा अब तक हमारे हिप्स नीचे टच नहीं थे फ्लोर पे, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, हिप्स को नीचे फ्लोर पे टच करना है, ये रख दिया और हाथ रखे एंकल फ्लैग देन डाउन। स्लो ऊपर आना है, चेंज करनी है साइड, नीचे बैठे एंकल एकदम आपका फ्लैट होगा, नी एकदम स्ट्रेट होगी देन डाउन। जितना देर हो सके नीचे होल्ड कीजिए, फिर ऊपर उठिएगा, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें आपको फ्रॉग की पोजीशन में आना है, लाइक नॉर्मल इस तरह से बैठ जाइए, जैसे नीज को नीचे रखिए और पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, ओपन करके जितने आप ओपन कर सकते हो उतने ओपन कीजिए जितने कर सकते हैं, ठीक है। और पैरों को इस पोजीशन ऐसे रखना है, एंकल को देख लीजिए आउटवर्ड पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। और नीचे जाइएगा, बॉडी आपकी ज़्यादा पीछे ना हो ज़्यादा आगे ना हो, नॉर्मल रखनी है। आप सीधे कीजिए, इस एक्सरसाइज में भी आपको मैक्सिमम टाइम होल्ड करके रखना है, कम से कम 5-5 टाइम्स कीजिए, उसके बाद खड़े हो जाइए। इस तरह से आपको जितने भी वर्कआउट्स देखे उसे 5-5 टाइम्स कीजिए, अगर ज़्यादा नहीं होता कम कर लीजिए। जिस तरह से आपको लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती जा रही है, आप इसके रेपिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं होल्ड करने की। ये था हमारा आज का वीडियो। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूँगा, उसमें भी हमारे हिप फ्लेक्सर के ही वर्कआउट्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।